यानी पादप जगत, उसके अगले कड़ी में आपसे मुलाकात आज हुई। आज पालनांग किंगडम का दूसरा क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, यानी इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि कोई भी पेड़ पौधा जो होता है उसका जो पार्ट्स है वो कौन कौन सा पार्ट्स होता है। तो किसी भी पौधों के बारे में जो पौधे का विभिन्न भाग होता है उन सारे चीज पर हम लोग चर्चा कर लिए थे कि पौधे में जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होता है, फूल होता है, या फिर पौधे में क्या कहते हैं उसको कितने भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि पौधे को दो भागों में बांटा गया, अपुष्पीय पौधा, फिर बताए थे दूसरा पुष्पीय पौधा। फिर आपने देखा कि अपुष्पीय पौधा को कितने भागों में बटाए, तो अपुष्पीय पौधा जो है उसको भी तीन भागों में बांटे। तो कहेगा सर कौन कौन, तो अपुष्पीय पौधा को जो तीन भागों में बांटा गया उसमें एक था आपका थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा। पुष्पीय पौधा को भी दो भागों में बांटा गया, तो एक नग्न बीजी और दूसरा क्या था आवृत बीजी। कितने भागों में, तो एक नग्न बीजी और दूसरा क्या था आवृत बीजी। तो टोटल कितना भाग हो गया, पांच भागों में। सबके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, तो आज सिर्फ पढ़ेंगे फ्लोरिंग प्लांट्स के बारे में कि कोई भी फूल वाला जो प्लांट होता है उसमें किस तरह से अंकुरण होता है, किस तरह से नए बीज का निर्माण होता है, किस तरह से उस बीज का विकास होता है और एक नया प्लांट का क्रिएशन होता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कोई बीज में जो अंकुरण निकलता है उस अंकुरित होने का, या किसी बीज में जो अंकुरित होता है उस अंकुरित होने की क्रिया को अंकुरण की क्रिया कहा जाता है। कोई भी बीज जो है उस बीज में जब अंकुरण होता है यानी अंकुर निकलने लगता है, अंकुरण ने बोलिए, किसी बीज में जब अंकुर निकलने लगता है तो इस निकलने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, अंकुरण कहा जाता है, यानी जर्मिनेशन के नाम से जाना जाता है। अब इस अंकुरण के लिए कुछ कुछ चीज की जरूरत है जिसके बिना बीज में अंकुरण नहीं हो सकता है। आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख सकते हैं कि किसी भी जैसे बीज को अंकुरित करवाना है तो आप पहले बीज को फूलने दे दीजिए, जब वो बीज फूल जाएगा तो उसको पानी से निकाल दीजिए और एक दिन के बाद जब आप देखिएगा तो देखिएगा वो उसमें अंकुर हो गया है, यानी वो अंकुरित हो गया है, उसमें अंकुर निकल चुका है। तो कैसे हुआ, तो उस बीज को आप चूंकि पानी में डाले थे तो उसमें नमी मिला, जिस बर्तन में रखे थे उसको घर में रखे थे उसको वायुमंडल से ऑक्सीजन मिला, रूम का तापमान मिला। तो किसी बीज के अंकुरण के लिए नमी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, तापमान भी चाहिए, तो इस तीनों चीज की जरूरत होती है। लेकिन उसके अंकुरण के लिए सूर्य के प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है। पौधे के विकास के लिए, पौधे के वृद्धि के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है, लेकिन बीज के अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। बीजों के अंकुरण के लिए उर्वरक की आवश्यकता नहीं है। तो प्रकाश और उर्वरक की आवश्यकता किसी भी बीजों के अंकुरण के लिए नहीं है, जबकि किसी बीज के अंकुरित होने के लिए नमी की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तापमान की जरूरत होती है, प्रकाश और उर्वरक की कोई आवश्यकताएं नहीं है। इस तरह से जब किसी पौधे का अंकुरण होता है यानी कोई बीज में जब प्लांट के रूप में वो कन्वर्ट होता है, कोई बीज से जब अंकुरित होता है, अंकुर निकलता है जिससे एक नए पौधे का निर्माण होता है, तो उसके लिए क्या चाहिए, तीन चीज चाहिए। कौन कौन, नमी चाहिए, तापमान चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। क्या नहीं चाहिए, तो उसको प्रकाश का और कह सकते हैं तापमान, ये प्रकाश का और उर्वरक की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन उस बीज के अंकुरण के लिए नमी की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तापमान की जरूरत होती है। इस कदर आप जब देखेंगे जब कोई बीज अंकुरित हो जाता है तो उस अंकुरण के बाद एक भाग जो है इसका ऊपर की ओर बढ़ता है और दूसरा भाग जो है वो नीचे की ओर बढ़ता है। किसी भी बीज के अंकुरण में देखिएगा, जब कोई मान लिया जब बीज अंकुरित होगा तो एक भाग इसका ऊपर की ओर बढ़ता है और दूसरा भाग क्या होगा, नीचे की ओर बढ़ेगा। कोई भी चीज का अंकुरण हो तो उसमें आप यही देखिएगा कि उसके बीज के अंकुरण में एक पार्ट्स जो है
इसका ऊपर की ओर बढ़ता है और दूसरा पार्ट्स क्या है, नीचे की ओर बढ़ता है। तो जो ऊपर की ओर बढ़ता है उसको प्रांकुर कहा जाता है। क्या कहा जाता भाई रे? बीज का जो ऊपर की ओर बढ़ना होता है वो प्रांकुर कहलाता है और जो नीचे की ओर बढ़ता है वो क्या कहलाता है? मूलांकुर कहलाता है। नीचे की ओर बढ़ेगा तो क्या कहलाएगा? मूलांकुर। और ऊपर की ओर बढ़ेगा तो क्या कहलाएगा? प्रांकुर। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं? तो आप आराम से यह देख लिए कि किसी भी पौधों का जब विकास होता है तो उसमें क्या होता है, एक पृथ्वी से ऊपर की ओर वृद्धि होता है उसको क्या कहा जाता है? प्रांकुर कहा जाता है और दूसरे को रेडिकल यानी मूलांकुर के नाम से जाना जाता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन आपको हुआ? कोई भी बीज का जब अंकुरण होता है तो एक पृथ्वी से ऊपर की ओर वृद्धि होता है जिसको प्रांकुर कहा जाता है। अब ये जो आपका प्रांकुर है आप यहां से भी देख सकते हैं, यदि इस बीज का विकास हुआ तो एक ऊपर की ओर वृद्धि हो रहा है और दूसरे का नीचे की ओर वृद्धि हो रहा है। तो जिसका विकास ऊपर की ओर हो रहा है उसको कहा जाता है प्रांकुर और जिसका विकास नीचे की ओर हो रहा है उसको कहा जाता है मूलांकुर। ऊपर की ओर वृद्धि किया तो प्रांकुर, नीचे की ओर वृद्धि किया तो मूलांकुर कहलाया। अब कहेंगे सर इसका काम क्या होता है? तो यह पृथ्वी से ऊपर की ओर वृद्धि करता है प्रांकुर और इससे पत्ती का निर्माण होता है, प्रांकुर से तना का निर्माण होता है, प्रांकुर से फूल का निर्माण होता है। लेकिन मूलांकुर जो है इस मूलांकुर का विकास पृथ्वी से नीचे होता है, सूर्य के प्रकाश के विपरीत होता है। यह हमेशा पृथ्वी के नीचे की ओर कौन बढ़ता है? तो आपका रेडिकल बढ़ता है। आपका मूलांकुर जो है यह पृथ्वी के नीचे की ओर बढ़ता है, अतः मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है और प्रांकुर से तना का, पत्ती का, फूल का निर्माण होता है। क्योंकि परीक्षा में आपसे यह सवाल पूछा जाएगा कि प्रांकुर से किसका विकास होता है, तो तना, पत्ती और फूल का विकास होता है। और हमेशा जो है यह सामूहिक रूप से जब प्रांकुर रहता है तो उसको प्ररोह के नाम से जाना जाता है। और आपका मूलांकुर हमेशा पृथ्वी के नीचे की ओर विकसित, हम आपको पहले ही बता दिए कि कोई मूलांकुर जो है वो हमेशा पृथ्वी से नीचे की ओर बढ़ता है, हमेशा वो नीचे की ओर जाता है और वो विकसित होकर किसका निर्माण करता है? जड़ का निर्माण करता है। क्लियर? और हम आपसे उम्मीद करेंगे ये सारी बात आपके दिमाग में सेट भी हो गया होगा और आपको याद भी हो गया होगा कि किसी बीज में जब अंकुरण होता है तो उसमें दो पार्ट्स होता है, एक प्रांकुर और दूसरा मूलांकुर कहलाता है। प्रांकुर का विकास किधर होगा? ऊपर की ओर। तो जिसका विकास ऊपर की ओर हो रहा है वो प्रांकुर कहलाएगा और जिसका विकास नीचे की ओर हो रहा है, पृथ्वी से नीचे घुस रहा है, वो मूलांकुर कहलाता है। प्रांकुर से किसका निर्माण होता है? तो तना का, पत्ता का और फूल का। अब मूलांकुर से किसका निर्माण होता है? तो जड़ का निर्माण होता है। इस प्रकार आप देखेंगे तो पौधा जो है कोई उसका चार भाग होता है, उसमें जड़ होता है, तना होता है, पत्ता होता है और फूल होता है। तो पौधे को कितने भागों में बांटा गया? तो आपको याद भी हो गया होगा कि पौधे को चार भागों में बांटा गया। कहेंगे सर कौन कौन? तो उसमें जड़ भी आ गया, उसमें तना भी आ गया, उसमें पत्ती भी आ गया और उसमें फूल भी आ गया। कितने भागों में बांटा गया? चार भागों में। कौन कौन? जड़, तना, पत्ती और फूल। कितने भागों में? चार भागों में। जड़, तना, पत्ता और फूल, इन चार भागों में आपके प्लांट को यानी आपके पौधे को क्या किया गया? विभाजित किया गया। अब हम लोग क्या है, बारी बारी से पहले जड़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर तना के बारे में पढ़ेंगे, फिर फूल के बारे में पढ़ेंगे, फिर पत्ती के बारे में पढ़ेंगे। सबके बारे में बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे? पढ़ने का काम करेंगे। क्लियर? चलिए तो सबसे पहले हम लोग जड़ में देखेंगे कि जड़ जो है, जो आप देख रहे हैं, जो आपका मूल जड़ होता है, किसी प्लांट का मूलांकुर जो वृद्धि करता है तो उससे जिस जड़ का निर्माण होता है उस जड़ को क्या कहा जाता है? टॉप रूट कहा जाता है यानी मूसला जड़ कहा जाता है। आप यहां पर देख रहे होंगे ये जड़ जो मोटा साइड का है इस जड़ को क्या कहा जाता है? इसको मूसला जड़ कहा जाता है। जब ये जड़ अपने कई शाखाओं में बट जाता है, आप देखे होंगे फिर इधर निकल गया, इधर निकल गया, इधर निकल गया, इस तरह से आपने क्या देखा कि आपका जड़ जो है वो कई भागों में विभाजित हो गया। तो जब आपका जड़ कई भागों में विभाजित हो गया तो इस जड़ को कहा जाता है एडवेंटिटियस रूट,
यानी इसको अपस्थानिक जड़ कहा जाता है, जो एक मेन जड़ है। फ्रूट भी आता है बाबू, लेकिन उसको अलग से पढ़ना है, क्योंकि फूल से ही फल का निर्माण होता है। तो मेन पौधे का चारे भाग है, जड़, तना, पत्ती और फूल। फल का निर्माण फूल से ही होता है, तो इसीलिए फल जो है वो फूल के अंतर्गत ही आता है। तो इसलिए हम लोग मुख्य रूप से क्या किए, चार भागों में ही बांटे, जड़, तना, पत्ती और फूल। कोई कंफ्यूजन आपको नहीं ना? चलिए तो देख लिए कि जो मूलांकुर से जड़ का निर्माण हुआ वो टॉप रूट कहलाया, मेन जड़ कहलाया। फिर बाद में क्या हुआ, वो जड़ कई भागों में कन्वर्ट हो गया। जब वो जड़ कई भागों में कन्वर्ट हो गया तब उस जड़ को क्या कहा जाता है, अपस्थानिक जड़ कहा जाता है। कौन जड़ कहा जाता है, तो उसको अपस्थानिक जड़ के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? तो आप पूछेगा अपस्थानिक जड़ क्या है, तो वैसा जड़ जो उस ब्रांच से कई भागों में बदल जाता है उस जड़ को ही अपस्थानिक जड़ कहा जाता है। और अपस्थानिक जड़ में क्या होता है, बाल जैसा संरचना, कितना पतला हम लोग का बाल होता है, तो इसी बाल जैसा संरचना जो है उस अपस्थानिक में होता है, उसके माध्यम से क्या होता है, उसको रूट हेयर बोलते हैं। नहीं, ये जितना भी आपका अपस्थानिक था, फिर उसमें देखिएगा पतला पतला बहुत सारा संरचना निकला रहता है, रोम जैसा ढेर सारा संरचना निकला रहता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको मूल रोम कहा जाता है, उसको रूट हेयर कहा जाता है। और ये जो मूल रोम है, ये जो केस की तरह बाल की तरह संरचना वाला जो जड़ है, इसी के माध्यम से क्या होता है, वो अपने जमीन को जकड़े भी रहता है और मिट्टी से खनिज लवण और जल को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, खनिज लवण और जल को क्या करता है, अवशोषित करता है। तो जड़ का एक कार्य भी आप समझ गए, ये मिट्टी को जकड़े भी रहता है और खनिज लवण और जल को क्या करता है, अवशोषित भी करता है। तो आपने देखा ये आपका जड़ का ये हो गया पार्ट्स, कि जड़ को कई भागों में बांटा गया, एक मूसला जड़ कहलाया, एक अपस्थानिक जड़ कहलाया, एक मूल जड़ कहलाया, जो हमेशा पृथ्वी के नीचे की ओर वृद्धि करता है। अब इसमें जो एक रोम था या मूल रोम था, उसी के माध्यम से खनिज लवण और जल का अवशोषण होता है। तो आगे हम आपको बताएंगे कि सर जड़ का कार्य क्या है। तो सबसे पहला काम आपने देखा, क्या देखा, कि जड़ जो है वो पौधों को मिट्टी से जकड़े रहता है। वो जड़ क्या करता है, वो मिट्टी को जकड़े रहता है, जिससे आपके पौधे को ताकत मिलता है। क्योंकि आपको पता है कि जोर से यदि हवा चले या तूफान आ जाए तो आपके पेड़ क्या हो जाएंगे, यदि जड़ मजबूत नहीं रहेगा, वो पकड़े नहीं रहेगा जमीन को, तो क्या होगा, आपका पेड़ पौधा गिर जाएगा। और कभी कभी ऐसा देखते भी होंगे कि जिसका कमजोर जड़ होता है, कोई छोटा पेड़ है, जोर से आंधी और तूफान आया और वो पेड़ क्या हो गया, टूट गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपका जो है जड़ जो होता है वो मिट्टी को जकड़े रहता है, जिससे पौधों में क्या मिलती है, ताकत मिलती है। और मूल रोम क्या करता है, जिसको हम लोग रूट हेयर बोले थे, जो धागे ने बोले बाल जैसा संरचना रहता है, उसी को मूल रोम कहा जाता है। और वो मूल रोम क्या करता है, मिट्टी से खनिज लवण को अवशोषित करता है, जल को अवशोषित करता है, और उस खनिज लवण और जल को क्या करता है, वो जाइलम के माध्यम से पत्ती तक पहुंचा देता है। तब ना आपकी पत्ती भोजन बनाती है, यदि ये जाइलम और फ्लोयम, ये जाइलम के माध्यम से आपका मूल रोम जो है खनिज लवण और जल को पत्ती तक नहीं पहुंचा पाता, तो क्या पत्ती भोजन बना पाती, नहीं बना पाती। और जब पत्ती भोजन नहीं बना पाती तो हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं देती, अर्थात हम लोगों का भी विनाश हो जाता। अतः पौधे से जो आपको वायु मिलती है, हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, वह ऑक्सीजन पत्ती जब भोजन बनाता है तो उसी के माध्यम से। तो आगे हम पत्ती के बारे में बताएंगे, तत्काल आप ये जान लीजिए कि आपका मूल रोम क्या करता है, वो मिट्टी से खनिज लवण और जल को क्या करता है, अवशोषित करने का काम करता है। अतः आपका जड़ जो है वो पॉजिटिव जिट्रोपिज्म होता है और नेगेटिव प्रोटोटिप्रिज्म होता है, अर्थात जड़ जो है वो अपना पॉजिटिव वे में नीचे की ओर ग्रोथ करता है, ग्रेविटेशन की ओर, गुरुत्वाकर्षण की ओर, पृथ्वी के नीचे की ओर ग्रोथ करता है, और उसमें प्रकाश संश्लेषण की घटना जो होता है, फोटोट्रोपिज्म की जो क्रिया होती है, ये क्रियाएं नहीं होती है। उसके बाद आप देखेंगे कुछ जड़ क्या करता है, भोजन का संग्रह भी करता है। जैसे बहुत सारे जड़ को हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण भी करते हैं, कहेगा कैसे सर, तो जैसे आप गाजर खाते हैं, आप मूली खाते हैं, सलजम खाते हैं, ये सब क्या है, ये जड़ है जो भोजन का संग्रह करता है
और उसी भोजन को हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करने का काम करते हैं। क्योंकि यहां से सवाल परीक्षा में पूछा जाता है, एग्जाम में आपसे सवाल पूछेगा कि कौन ऐसा पौधा है जिसके जड़ को हम भोजन के रूप में खाते हैं या जिसका जड़ हम लोग प्रयोग करते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो उसमें आंसर आ जाएगा आपका गाजर का, मूली का, सलजम का, शकरकंद का, उसका हम लोग क्या खाते हैं, तो जड़ खाते हैं। स्पष्ट आप देखेंगे ये एग्जाम्पल लिखा होगा कि मुख्य रूप से कुछ जड़ जो है पौधों का भोजन संचित करने का कार्य करता है। इसमें देखिए गाजर है, मूली है, सलजम है, शकरकंद है, चुकंदर है, ये सारे चीज आप लोग भोजन के रूप में खाते होंगे, हम लोग भी खाते हैं। तो कुछ जड़ क्या करता है, भोजन का संग्रह करता है और उस भोजन के संग्रह करके क्या करता है, वो हम लोगों को भोजन प्रदान करता है। तब हम लोग गाजर खा पाते हैं, मूली खाते हैं, सलजम खाते हैं, चुकंदर खाते हैं, शकरकंद खाते हैं। कैसे, क्योंकि वो कुछ जड़ जो है वो भोजन का संग्रह करता है और भोजन के संग्रह करके हमको क्या करता है, भोजन प्रदान करने का काम करता है। फिर आप देखिएगा कुछ जड़ जो है वो तना से निकलता है। आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, कुछ जड़ जो है वो तना से निकल रहा है, तना से निकलकर क्या करता है, वो नीचे तक आता है और तना से निकलकर जो जड़ निकलता है उस जड़ को स्तंभ जड़ कहा जाता है, उसको प्रोप रूट कहा जाता है। आपको भी याद होगा बचपन में हम लोग क्या करते थे, बरगद के पेड़ में, बर के पेड़ में नहीं निकला रहा था तना से जड़, उस जड़ को पकड़कर क्या करते थे, झूलने का हम लोग काम करते थे। तो हम लोग जो उसको पकड़कर झूलने का काम करते थे वो क्या था, वो तना नहीं था, वो तना से निकलने वाला जड़ था, उस जड़ को स्तंभ जड़ कहा जाता है। और वो स्तंभ जड़ भी क्या करता है, पौधे को एक्सटेंड करने में ताकत प्रदान करता है, पौधे को मजबूती प्रदान करता है। ये बड़ा पार्ट जो है, स्तंभ रूट वाला पार्ट जो है ये काफी मजबूत होता था, क्योंकि हम लोग खूब लटक के झूलते थे, बराबर आदमी भी, अंकल लोग भी झूलते थे, लेकिन वो टूटता नहीं था। तुम लोग भी झूल भी करता होगा गांव में, बरगद के पेड़ में देखा होगा, पीपल के पेड़ में देखा होगा कि स्तंभ जड़ निकला हुआ रहता है और उसमें हम लोग क्या करते थे, झूला झूलने का काम करते थे। तो आपने क्या देखा कि कुछ जड़ जो है वो पौधों में क्या करता है, भोजन का संग्रह करता है, जिससे गाजर हो गया, मूली हो गया, शकरकंद हो गया, सलजम हो गया, उसको हम लोग क्या करते हैं, भोजन के रूप में खाते हैं। और कुछ जड़ क्या करता है, वो विकसित जब हो जाता है, जब वो वृद्धि करता है, तो वो क्या करता है, वो तना से निकलकर वो भूमि को स्पर्श कर लेता है, उस जिसमें हम लोग झूलते थे उस जड़ को क्या कहा जाता है, स्तंभ जड़ कहा जाता है। और उससे पौधे को क्या मिलती थी, ताकत मिलती थी। उसके बाद आपके पेड़ पौधा में क्या होता है, नॉड और इंटर नॉड पाया जाता है। कोई भी पेड़ पौधा जो है, उस पेड़ पौधा में क्या होता है कि पेड़ पौधा में नॉड और इंटर नॉड पाया जाता है, अर्थात पौधे में नॉड और इंटर नॉड जो है वो जड़ में नहीं पाया जाता है। नॉड और इंटर नॉड कहां पाया जाता है, तना में पाया जाता है। आप देखेंगे स्पष्ट रूप से यह लिखा हुआ होगा नहीं कि कुछ जड़ जो है जड़ में नॉड और इंटरनॉड नहीं पाया जाता है, जबकि आपका तना जो है उसमें नॉड भी पाया जाता है और इंटरनॉड भी पाया जाता है। तो मन में सवाल आया होगा, बहुत झूली है प्रियंका, चलिए थैंक यू वेरी मच। नहीं, अब हम तना की आपसे बात करेंगे। तो तना में हम क्या बताए, इसमें नॉड भी रहता है और इसमें क्या रहता है, इंटर नॉड भी रहता है। तो अब आप इस फिगर से देखेंगे, आपका जैसे ये मेन तना हो गया, मेन ये क्या हो गया आपका, तना वाला पार्ट्स हो गया। अब इससे एक पत्ता निकला हुआ है या इससे टहनी निकला, फिर उससे ब्रांच निकलेगा, पत्ता निकलेगा। तो ये जो पोजिशन होता है, इस पोजिशन को ही क्या कहा जाता है, नॉड कहा जाता है। यानी आपका मेन तना से जो ब्रांच निकलता है या मेन तना से जहां से पत्ता निकलता है, इस भाग को क्या कहा जाता है, इस भाग को कहा जाता है नॉड। क्या कहा जाता है, नॉड कहा जाता है। और ये दोनों जो पत्ता निकला हुआ है, इसके बीच का जो पोजीशन होता है, जैसे यहां वाला जो पोजीशन होता है, इसको क्या कहा जाता है, इंटर नॉड कहा जाता है। अर्थात नॉड और इंटर नॉड कहां पाया गया, तो नॉड और इंटर नॉड जो है वो तना में पाया गया। नॉड और इंटर नॉड कहां पाया गया, तना में पाया गया। लेकिन जड़ में क्या पाया जाता है, ना तो नॉड पाया जाता है ना तो इंटर नॉड पाया जाता है। लेकिन आपने देखा तना में जो है नॉड भी पाया जाता है और इंटर नॉड भी पाया जाता है, क्लियर। उसके बाद आप इसमें देखते होंगे
कि तना में उसका वृद्धि हमेशा सूर्य के प्रकाश की ओर होता है, या कह सकते हैं पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर होता है। कभी सुने कि तना नीचे की ओर बढ़ा? नहीं, जो नीचे की ओर वृद्धि करता है उसको जड़ कहा जाता है, और जो ऊपर की ओर वृद्धि करता है वो तना कहलाता है। तो तना का विकास हमेशा क्या होता है? पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर होता है, सूर्य के प्रकाश की ओर होता है। इसलिए हम लोग तना को क्या बोलते हैं? प्रकाशनु बर्तन बोलते हैं। यह हमेशा प्रकाश की ओर जो है बढ़ता है, लेकिन जड़ जो है वो फोटोट्रॉपिज्म नहीं होता है, जड़ जो है वो प्रकाशनु बर्तन नहीं होता है, क्योंकि जड़ का विकास तो हमेशा प्रकाश के विपरीत होता है। इसलिए हम आपको जड़ में बताए थे कि जड़ में निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होता है, लेकिन इस तना में क्या होगा? तना में पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होगा और निगेटिव जियोट्रॉपिज्म होगा। यानी तना का विकास नीचे की ओर नहीं होता है, इसका विकास हमेशा कहां होगा? सूर्य के प्रकाश की ओर होगा। लेकिन जड़ का विकास हमेशा क्या होता है? सूर्य के प्रकाश के विपरीत होता है और पृथ्वी की ओर होता है, पृथ्वी के नीचे होता है। यह डिफरेंस था जड़ और तना में, कि तना हमेशा सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ेगा, पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर बढ़ेगा, इसमें नॉड और इंटरनॉड पाया जाएगा, यह प्रकाशनु बर्तन होता है। और कुछ पौधों में आप देखेंगे तना से ही, कुछ पौधों के लगभग पौधों में तना से ही पत्ती निकलता है, फल निकलता है, फूल निकलता है। यह सारा विकास कहां से होता है? चाहे वो पत्ती का विकास हो या तने का विकास हो या आप देख रहे फूल का विकास हो, यह टोटल का टोटल विकसित कहां से होता है? आपको तना से होता है। अर्थात ये तना क्या करती है? यह आपके पौधे को ताकत प्रदान करने का काम करती है, यह आपके पौधे को ताकत देने का काम करती है। अब तना के द्वारा पत्ती का निर्माण होता है और पौधे के विभिन्न भागों में तक जो है पत्ती भोजन बनाता है और पौधे के विभिन्न भागों में क्या करता है? पहुंचाने का काम करता है। जड़ से अवशोषित खनिज लवण लेता है और वे तना क्या करता है? उसको पत्ती तक पहुंचा देता है। अभी हम आपको बताए थे कि आपका मूल रोम जो है, जो जड़ का पार्ट्स है, एक प्रकार के बाल जैसी संरचना जो किसी पौधे के जड़ में होता है, तो वो संरचना में क्या होता है? वो जड़ का काम होता है खनिज लवण और जल को क्या करना? अवशोषित करना। तो वो खनिज लवण और जल को क्या करता है? अवशोषित करने का काम करता है। अब वो जड़ अवशोषित तो कर लेगा, लेकिन पत्ती तक कौन पहुंचाएगा? वो जाइलम पहुंचाएगा। तो वो जाइलम और फ्लोएम किसका पार्ट्स है? तना का पार्ट्स है। तो इसलिए लिखा हुआ है कि जड़ तो क्या करता है? खनिज लवण और जल को अवशोषित करता है, लेकिन वो तना के माध्यम से क्या होता है? पत्ती तक पहुंचता है। फिर वो पत्ती क्या करता है? वो भोजन बनाने का काम करता है। फिर जब पत्ती आपका भोजन बनाता है तो फिर उसके माध्यम से क्या होता है? वो नीचे की ओर जाता है। चलिए, एक लड़का क्वेश्चन कहता है कि तना से जब ऊपर की ओर वृद्धि करता है तो अदरक को तना क्यों बोला जाता है? तो ये तो वैज्ञानिक सब बताएगा कि आलू को तना वाला फसल काहे बोला? नहीं, इसलिए बोला क्योंकि वो आलू जो है उसमें जड़ नहीं पाया जाता है, उसमें ना तो टॉप रूट रहता है, ना तो उसमें स्तंभ रूट रहता है, ना तो उसमें मूल रोम रहता है, ये सब नहीं पाया जाता है। इसलिए अदरक जो है वो नीचे फलती है, लेकिन उसको तना बोला जाता है क्योंकि उसमें जड़ होता ही नहीं है, वो तना वाला ही फसल है। नहीं, क्योंकि कुछ पौधे एक्सेप्शनल होते हैं, जो पौधा जड़ वाला होता ही नहीं है क्योंकि उसमें जड़ पाया ही नहीं जाता है, अर्थात जो तना वाला फसल होता है। आगे हम तुरंत आपको बताने जा रहे हैं आलू के बारे में, अदरक के बारे में, कि आलू जो है, अदरक जो है, हल्दी जो है, ओल जो है, लहसुन जो है, इस सब में जड़ नहीं पाया जाता है, ये सब तना वाला फसल है। और कुछ तना क्या करता है? भोजन को संग्रह करता है और भोजन को संग्रह करके क्या करता है? हम लोगों को देने का काम करता है। अर्थात ये क्लियर हो गया कि कुछ तना जो है वो भोज्य पदार्थ को क्या करता है? संचित करने का काम करता है, वो भोज्य पदार्थ को संग्रह करके हम लोगों को प्रदान करता है। जैसे अभी हम एग्जांपल दिए थे ना, आपका आलू हो गया या प्याज हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, ओल हो गया, अरबी हो गया, लहसुन हो गया, ये सब क्या है? ये सब तना वाला भोज्य पदार्थ है। और ये तना वाला भोज्य पदार्थ क्या करता है? ये भोजन को संग्रह करता है और भोजन को संग्रह करके क्या करता है? हमको प्रदान करने का काम करता है। कुछ तना आप देखेंगे पत्ती का रूप धारण कर लेता है। जैसे आपने नागफनी देखा होगा, आपने कैक्टस देखा होगा, वो आपका नागफनी और आपका जो कैक्टस है वो क्या करता है?
वो क्या करता है, आपको पत्ती के रूप में धारण कर लेता है। वो तना है लेकिन वो पत्ती का रूप धारण कर लिया। कुछ तना को आप देखेंगे कि वो तना कांटे का रूप धारण कर लेता है। जैसे आपने बबूल का नाम सुना होगा, आपने बेर का नाम सुना होगा, आपने बेल का नाम सुना होगा, आपने नींबू का नाम सुना होगा। तो बबूल हो या बैर हो या बेल हो या नींबू हो, ये टोटल का टोटल क्या है, ये टोटल का टोटल जो है तना है, जो कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाता है। और आप देखे होंगे आपका नींबू का पेड़, बेल का पेड़, बबूल का पेड़, ये सब में क्या है, तना है जो कांटे के रूप में विकसित हो जाती है। अर्थात ये सब क्या है, ये सब कुछ पौधे आप देखे, पौधे का पार्ट्स जिसमें देखे पत्ताना जो है वो पत्ती का रूप धारण कर लेता है। जैसे हम आपको नागफनी बताए जिसको आप कैक्टस कहते हैं, कुछ तना जो है कांटे का रूप धारण कर लिया, जैसे नींबू हो गया, बबूल हो गया, बेल हो गया, बैर हो गया। बैर आप लोग खाए होंगे, नहीं राम भगवान सबरी के, नहीं ये सबरी जो है राम भगवान को जूठा बैर खिलाया था, सरस्वती पूजा में प्रसाद में लोग बैर डालते हैं। तो आपका नींबू हो गया या बेल हो गया या बबूल हो गया, ये सब क्या है, ये सब पौधों से क्या करता है, आपको प्राप्त होता है, ये तना का क्या है, रूपांतरित रूप होता है। क्लियर हो गया। कुछ तना जो है उसमें प्रतान के रूप में विकसित होता है। अब आप कहेंगे कि सर ये प्रतान क्या होता है, देखिएगा उस तना में लतरी लतर जाएगा, तना जो है मुलायम तना होगा, वो लतरी के जैसा लतर जाएगा और किसी भी पेड़ पौधा में क्या करता है, वो एडजस्ट हो जाता है, किसी भी पेड़ पौधा में वो घुल मिल जाता है। अर्थात कुछ तना जो है वो तना क्या करता है, वह प्रतान के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपने कद्दू का नाम सुना होगा, खीरा का नाम सुना होगा, ककड़ी का नाम सुना होगा, तरबूज खरबूज का नाम सुना होगा, वो सब में क्या निकलता है, प्रतान निकलता है। और वो प्रतान क्या करता है, किसी पौधे में क्या करता है, लपटा जाता है और उसी पौधे पर क्या होता है, वो लगातार वृद्धि करना शुरू कर जाता है। तो ये आपने देखा अभी तना के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे पत्ती के बारे में। और ये पत्ती जो है ये पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। कहेंगे सर कैसे, तो पत्ती जो है वो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग इसलिए है क्योंकि ये पत्ती जो आपका है, इस पत्ती में क्या होता है, हरित लबक पाया जाता है। हरित लबक, कभी कभी आप देखिएगा बाबू एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि पौधे की पत्ती का रंग हरा क्यों होता है, तो आप क्या बताओगे, पौधे के पत्ती का रंग हरा क्यों हुआ, हरित लबक के कारण। इसको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पौधे की पत्ती का रंग क्या होता है, इस क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पौधे की पत्ती का रंग हरा होता है। यदि यह क्लोरोप्लास्ट पत्ती में नहीं पाया जाएगा तो हरी पत्ती भोजन नहीं बना पाएगा। अतः क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हरा पेड़ पौधे की पत्तियां जो है वो भोजन क्यों बनाती है, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, उसी कारण पौधे की पत्ती का रंग क्या होता है, हरा होता है। अब यह पत्ती क्या करता है, और इस पत्ती में बहुत ज्यादा छिद्र भी रहता है, ध्यान दीजिएगा, आपकी पत्तियां जो है इस पत्ती में जो है छिद्र पाया जाता है, और पत्ती में जो छिद्र पाया जाता है उस छिद्र को आप एस्टोमाटा कह सकते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, एस्टोमाटा, या इसी को रंध्र के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाएगा कि पौधे के पत्ती का रंग हरा क्यों होगा, तो आप बताइएगा क्लोरोप्लास्ट के कारण, हरित लवक के कारण। फिर सवाल आपसे पूछा जाएगा कि पत्ती में जो हरित लवक होता है उसी कारण भोजन बनता है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही होगा, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। उसके बाद पौधे क्या करता है, उसकी पत्ती में बहुत ज्यादा छिद्र होता है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि पत्ती में जो छिद्र पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, एस्टोमाटा कहा जाता है, या उसी को रंध्र के नाम से जाना जाता है। ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसी से क्लोरोफिल का निर्माण होता है, बात समझे, ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसी से क्लोरोफिल का निर्माण होता है, और उसी क्लोरोफिल के कारण, या क्लोरोप्लास्ट की, दोनों से लगभग सेम ही चीज होता है, क्लोरोप्लास्ट से ही क्लोरोफिल का निर्माण होता है, जिसके कारण पौधे की पत्ती जो है उसका रंग कैसा होता है, हरा होता है। क्लियर हो गया। अब हम आपको बता रहे थे कि पत्ती में बहुत ज्यादा छिद्र पाया जाता है, उस छिद्र को ही क्या कहा जाता है, एस्टोमाटा कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। इसी के सहायता से क्या होता है,
पत्ती में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, पत्ती वायुमंडल से ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, छोड़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो पत्ती ग्रहण करता है या ऑक्सीजन जो छोड़ता है वो किसके माध्यम से, एस्टोमाटा के माध्यम से, रंध्र के माध्यम से क्या करता है, ग्रहण करने और छोड़ने का कार्य करता है। अतः आपका पत्ता जो है, ये पत्ता में रंध्र पाया जाता है, एस्टोमाटा पाया जाता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करता है। अब आपका ये पत्ता, इसके माध्यम से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, सूर्य से सूर्य का प्रकाश ले लिया, मिट्टी से खनिज लवण और जल ले लिया, उसके बाद वो अपना भोजन बना लिया और भोजन बनाकर क्या करता है, एक तना में फ्लोएम नाम का ट्यूब रहता है, उसी फ्लोएम के माध्यम से पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है। अर्थात पत्ती जो है, इसको पेड़ पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। अभी हमने जितनी भी सारी चीजें समझाई वो स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है कि पत्तियों के किनारे में सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है और इसी सूक्ष्म छिद्र को क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है, एस्टोमाटा कहा जाता है, और उसी एस्टोमाटा के माध्यम से, उसी रंध्र के माध्यम से क्या होता है, पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वो वायुमंडल से लेने का काम करता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, छोड़ने का काम करता है। इसीलिए पौधे का श्वसन अंग जो है वह किसको माना जाता है, एस्टोमाटा को माना जाता है। पत्तियों की सतह पर एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। अभी तुरंत हम आपको बताए थे हरित लवक कहा जाता है, और इसी हरित लवक के कारण क्या होता है, पौधे की जो पत्तियां होती है उसका रंग हरा होता है, और उसी कारण पौधे में प्रकाश संश्लेषण हो पाता है। क्योंकि पत्ती में यदि क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा, हरित लवक नहीं पाया जाएगा, तो क्या पत्ती में प्रकाश संश्लेषण होगा, एकदम नहीं होगा। पत्तियों पर सूर्य की रोशनी के कारण तापमान बढ़ने से क्या होता है, पत्ती से वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। यानी तापमान बढ़ने से पत्ती का पानी जो है वो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से क्या होता है, बाहर निकलने लगता है। अब एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि पेड़ पौधे के किस भाग में वाष्पोत्सर्जन होता है, तो आप क्या बताओगे, पेड़ पौधा का जो ये पत्ता है, इसी पत्ता में वाष्पोत्सर्जन होता है। रात्रि से कम छोटे पौधे जो होते हैं उसमें पानी का बूंद ठोप ठोप करके गिरता है, टप टप करके गिरता है, उसको कहा जाता है बिंदु स्राव। छोटे पौधों से रात्रि के समय जो पानी टप टप करके गिरता है उसको क्या कहा जाता है, बिंदु स्राव कहा जाता है। कुछ पत्ती आप देखेंगे जो कांटे का रूप धारण कर लेता है, जिसका पृष्ठतनाव काफी कम हो जाता है, खास करके रेगिस्तानी क्षेत्रों में ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि पत्ता सूख कर कांटे का रूप धारण कर लिया, जैसे आपका कैक्टस जो बोले, नागफनी जो बोले, उसमें दोनों होता है, एक तना का भी रूपांतरण होता है और दूसरा पत्ती का भी रूपांतरण होता है। अतः पत्ती जो है वो कांटे का रूप धारण भी कर लेता है। कुछ पत्ती जो है वाटर लॉस चुकी काफी ज्यादा होती है, तो हम पहले बता दिए मरुस्थलीय पौधा जितना भी है, जैसे नागफनी हो गया, यानी कैक्टस हो गया, वो क्या करता है, वाटर लॉस होने की वजह से पत्ती सूख कर क्या हो जाती है, कांटा का रूप धारण कर लेती है। कुछ पत्ती में भी प्रतान पाया जा रहा है, आप देख रहे होंगे ये पत्ती में प्रतान पाया जाता है, और पत्ती का ये प्रतान जो है ये क्या करता है, किसी भी दूसरे पौधे को लपेट लेता है और उसी पर वो अपना विकास करने लगता है। अतः वस्तुओं को पकड़ने का कार्य जो कौन करता है, वस्तुओं को पकड़ने के कारण ये पत्ती का ही क्या करता है, प्रतान करता है। और जैसे आपने मटर का पौधा देखा होगा, आपने खेसारी का पौधा देखा होगा, तो मटर हो या खेसारी हो, उसके पत्ता में क्या होता है, प्रतान निकलता है और किसी भी पेड़ पर वो क्या कर लपटा देता है। जैसे आप हाथ रखिएगा, धीरे धीरे हाथ में भी क्या होगा, लपटा जाएगा। तो ये प्रतान किस में पाया जाता है, तो मटर के पौधों में पाया जाता है या फिर खेसारी के पौधों में। तो मटर के पौधों में और खेसारी के पौधों में आपने देखा होगा कि तो खेसारी मटर हम लोग खूब खाए हैं गाँव में, और आप लोग गाँव में घर में रहते होंगे तो बिल्कुल देखे होंगे, तो उसमें क्या है, वो प्रतान जो है पत्ती का रूपांतरण है। इसका रूपांतरण है, वो पत्ती का ही रूपांतरण है। कुछ पौधे में आप देखिएगा पत्ती जो है वो घड़ा का रूप धारण कर लेता है, इस तरह से रहता है, और जैसे ही उसमें कीड़ा प्रवेश करता है कि वो घड़ा बंद हो जाती है, और वैसे पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, मांसाहारी पौधा करते हैं, वैसे पौधे को कीट भक्षी पौधा कहा जाता है। यानी जो पौधा कीड़े को पकड़ता है, कीड़े को खाने का काम करता है, वैसे पौधे को क्या बोलते हैं, कीट भक्षी पौधा बोलते हैं। जैसे आपने पिक्चर प्लांट का नाम सुना होगा, आपने यूट्रिकोरिया का नाम सुना होगा, आपने ड्रोसेरा का नाम सुना होगा, आपने नेफेंथस का नाम सुना होगा, ये सब पौधा क्या है, चाहे पिक्चर प्लांट हो या यूट्रिकोरिया हो या ड्रोसेरा हो,
या फिर नेफेंथस हो, ये सब पौधा ऐसा है जो पौधा घड़ा के रूप में पत्ता रहता है, जैसे कीड़ा जाता है बंद हो जाता है, अर्थात इस पौधे को क्या कहा जाता है, चाहे पिचर प्लांट हो, यूट्रिकुलरिया हो, ड्रोसेरा हो, या फिर ये क्या बोलते हैं आपका नेफेंथस हो, ये सब कीट भक्षी पौधा है, ये सब मांसाहारी पौधा है। इसमें यूट्रिकुलरिया और ड्रोसेरा जो है ये जलीय कीट भक्षी पौधा है, ये पानी में होता है। कौन कौन? यूट्रिकुलरिया हो गया और आपका ड्रोसेरा हो गया, ये दोनों पानी में रहता है। बादमकी पिचर प्लांट हो गया, पिंगवेला हो गया या नेफेंथस हो गया, ये सब स्थलीय कीट भक्षी पौधा है, अर्थात जो कीड़ा को खाने का काम करता है, इस पौधे को हम लोग क्या बोलते हैं, कीट भक्षी पौधा। और आप यहां पर देख रहे होंगे ये कीड़ा है जो इसके अंदर चला गया, अब ये मुड़कर क्या करेगा, इसका भक्षण कर लेगा, अर्थात ये कैसा पौधा हो गया, मांसाहारी पौधा हो गया। इस पौधे को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पौधे को कीट भक्षी पौधा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए भाई आज हम आपकी क्लास यहीं रोकते हैं, अगले क्लास में आपसे फिर मेरी मुलाकात होगी, तो फ्लावर यानी फूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग फल के बारे में पढ़ेंगे और धीरे धीरे आगे की बढ़ेंगे, क्योंकि हम परसों ही समझा दिए थे कि कोई कोई टॉपिक बहुत छोटा रहता बाबू, जो कि आधा घंटा में भी खत्म हो जाएगा, एक दिन में भी खत्म हो जाएगा, और कोई कोई टॉपिक थोड़ा बड़ा रहता है उसमें ज्यादा भी टाइम लगेगा, अतः कोई क्लास कम टाइम में खत्म हो जाए फिर भी नहीं घबराना है, ज्यादा चले फिर भी नहीं घबराना है, क्योंकि आपको पढ़ लिखकर नौकरी करना है, आपको अपनी बायोलॉजी के क्षेत्र में समस्या खत्म करना है, इसलिए एकदम में लगातार पढ़ते जाना है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं आपसे कल, कल याद होगा शनिवार है, कल रात में आपका 8 बजे क्लास होगा और क्वेश्चन डिस्कशन होगा, कल रात्रि के 8 बजे आपका क्लास होगा और क्वेश्चन डिस्कशन होगा, संडे है परसों, परसों भी रात में 8 बजे क्लास होगा और क्वेश्चन डिस्कशन होगा, कल भी 8 बजे क्लास होगा और क्वेश्चन डिस्कशन होगा। ये बात आप एकदम ध्यान पूर्वक सुन लेंगे, ध्यान में बिल्कुल रखेंगे, और फिर मंडे से आप अपने टाइम 9 बजे से ही पढ़ेंगे, शनिवार रविवार सिर्फ आपका 8 बजे रात में क्लास होगा, बाद में मंडे टू फ्राइडे आप अपने टाइम 9 बजे से ही क्लास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।